न्यू टॉपिक दैट इज पॉलिनोमियल्स. नाउ व्हाट इज पॉलिनोमियल्स. ठीक है, पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रीवियस के कुछ टर्म्स हम लोग देखते हैं. जैसे एक टर्म अगर होता है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, टू टर्म्स होगा तो बाइनोमियल बोलते हैं, थ्री टर्म्स होगा तो ट्राइनोमियल्स, एंड तीन से ज्यादा टर्म होगा तो उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. समझ में आया? ओके सर. Polynomial is an expression in which all the powers of variables are polynomials. क्या? All the powers मतलब degree. ठीक है, जो भी variable रहेगा उसके ऊपर जो degree रहता है ना, वो degree whole numbers रहता है. Whole numbers मतलब क्या? Zero से start होता है. मतलब variable के ऊपर power raised to zero हो सकता है, one हो सकता है, two हो सकता है, three हो सकता है, four हो सकता है, five हो सकता है. But fraction नहीं हो सकता है. एंड नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, यस. ठीक है, एंड एक्सप्रेशंस. नाउ एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विदाउट एन इक्वल साइन. ठीक है, अभी यहां पर मैंने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स लिए. ठीक है, थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म देखते हैं. ओके, ये बाइनोमियल है. हाँ, फर्स्ट टर्म क्या है, थ्री एक्स होल क्यूब. ठीक है, क्या, थ्री एक्स होल क्यूब. इसमें थ्री कोएफिशिएंट है. थ्री क्या है, कोएफिशिएंट है. जो भी वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट. अल्फाबेट के लेफ्ट में जो भी नंबर आता है ना, उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं. क्या, अल्फाबेट के पहले मतलब लेफ्ट साइड में जो भी नंबर आता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, ओके. ठीक है, वेरिएबल के पहले जो भी नंबर रहता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट. ठीक है, नाउ ये हमारा वेरिएबल है. ठीक है, देन अभी इसके ऊपर रेस टू थ्री कैसे वो रीड करते हैं इसको, रेस टू थ्री. तो ये इसको पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं. ठीक है, ये हमारा पावर या तो डिग्री. समझ में आ गया? ओके, सो ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, दिख रहा है सारे पावर्स को मैंने येलो से हाईलाइट किया है. ये सब पावर्स है. ठीक है, इसमें सारे होल नंबर्स है. सारे होल नंबर्स है मतलब क्या, जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो जीरो चलेगा, वन टू थ्री फोर गोज ऑन, बट नेगेटिव नहीं होगा एंड फ्रैक्शन में नहीं होगा. ठीक है, नाउ अब यहां पर 17. ठीक है, तो ये 17 के आगे कुछ नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने मन से y रेस टू जीरो डाल दिया. ठीक है, y रेस टू जीरो, y रेस टू जीरो इंडाइसेस में उसका वैल्यू आता है 1. इंडाइसेस स्टडी किया था 7th में. यस, इंडाइसेस में क्या बताया था हम लोगों को, कि कोई भी नंबर के ऊपर रेस टू जीरो होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है. तो y रेस टू जीरो मतलब 1, मतलब 17 मतलब अभी भी 17 ही है. मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया, 17 को 17 ही रखा, बट मैंने थोड़ा चेंज किया, वहां पर मैंने वाई को जोड़ दिया, बट रेस टू जीरो डाल दिया. तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई रेस टू जीरो 1. अगर वाई रेस टू 1 डालूंगा तो नहीं चलेगा. समझ में आ गया, बिकॉज वाई रेस टू 1 मतलब वाई हो गया. ओके, तो 17 एंड 17 वाई ये दोनों इक्वल नहीं है. समझा? ओके, नाउ ठीक है, होल नंबर्स मीन्स 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, नाउ ये सारे नंबर जो भी है पॉलिनोमियल्स में आते हैं. समझ में आ गया? ये जितना भी टर्म्स मैंने लिखा है ये सब पॉलिनोमियल्स में आते हैं. समझा? ओके, नाउ अभी रूट एक्स प्लस 3. ठीक है, रूट एक्स है. अभी ये रूट एक्स को अगर मुझे पावर में लिखना है, क्या, ये रूट एक्स को अगर मुझे पावर में लिखना है तो मैं रूट को निकाल दूंगा, तो रूट अगर निकलेगा तो रूट निकल के वेरिएबल्स के ऊपर 1/2 आ जाता है. समझ में आ गया? पावर के जगह में आ गया 1/2, मतलब रूट को मैंने निकाल दिया, तो रूट निकलता है तो क्या आएगा, 1/2 कहां पर, रेस टू के जगह पे. ठीक है, बट अभी हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, कि होल नंबर्स ही होना चाहिए पावर के जगह पे, बट ये क्या है, फ्रैक्शन हो गया.
ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर ओके प्लस रूट फाइव एक्स रेस टू टू, ठीक है रूट फाइव, ठीक है। अब यहाँ पर रूट कहाँ पर है? फाइव के साथ में। समझ में आ गया? ठीक है, तो रूट फाइव, रूट फाइव कोई वेरिएबल नहीं है। समझ में आ गया? सिर्फ हमको ध्यान देना है वेरिएबल पे, वेरिएबल होल नंबर्स होना चाहिए पावर। समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर ये जो रूट फाइव है, तो ये रूट फाइव के आगे अगर मैंने वेरिएबल ले लिया x रेस टू जीरो, ठीक है, अगर मुझे वेरिएबल लेना ही है तो मैंने x डाला और रेस टू जीरो ले लिया, x रेस टू जीरो मतलब वन, ठीक है, फाइव रूट फाइव इंटू वन रूट फाइव, मतलब वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो अभी भी ये सेम ही है वैल्यू, ठीक है, बट ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का ऑर्डर हो गया, और ऑर्डर क्या है, होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। समझ में आया? ऊपर रूट एक्स था, यहाँ पर रूट फाइव है, तो डिफरेंस क्या है, वेरिएबल हम लोग को ध्यान देना है कि वेरिएबल कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। समझा? सॉरी, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट 3.1, ठीक है। नाउ स्टेट वेदर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स जस्टिफाइड। अभी पॉलिनोमियल्स है या नहीं बताना, ठीक है। अभी y प्लस वन अपॉन y है, ठीक है। अभी यहां पर हम लोगों को डिनोमिनेटर में y है, अगर ये y को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, क्या y को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो चेंजेस होगा, देखते हैं। मतलब इंडाइसेस का लॉ हम लोग को बताता है कि जब y डिनोमिनेटर में होगा ओके, तो इसका पावर है रेस टू वन, लेकिन जब ये ऊपर न्यूमरेटर में चले जाते हैं ना, इसका पावर नेगेटिव वन हो जाता है। समझ में आया? ओके, ए रेस टू माइनस एम ओके इक्वल टू वन अपॉन रेस टू एम, मतलब क्या, नेगेटिव अगर होगा इन पावर में तो उसको पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर में लेते थे, मतलब उसी का वाइस वजह ओके, मतलब अगर डिनोमिनेटर से निकल जाएगा तो ऊपर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, ठीक है। तो अभी ये वन अपॉन वाई है, ठीक है, फाइन। अभी फर्स्ट यहां पर देखो वाई प्लस वन अपॉन वाई, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, फर्स्ट टर्म वाई था तो वाई लिख दिया, ठीक है, फिर प्लस साइन, फिर ये जो वन अपॉन वाई है ना, इसको मैं सॉल्व करता हूं, उसको पहले समझा देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंडाइसेस का ये वाला लॉ यूज करूंगा, दैट इज वन रेस टू माइनस एम इक्वल टू वन अपॉन एम, वन रेस टू एम, मतलब क्या फर्क हुआ, ऊपर नेगेटिव में था एम, यहाँ पर पॉजिटिव में एम हो गया, ओके, मतलब ऊपर से जब नीचे आता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह यहाँ पर हम लोग को वाई पॉजिटिव में है, वाई रेस टू वन है, पावर कुछ नहीं है तो वाई रेस टू वन है, पॉजिटिव में है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव वन हो जाएगा। समझा? समझ में आया सबको? ठीक है, यस। नाउ वेरिएबल नेगेटिव है, हियर वन ऑफ द पावर ऑफ y इज माइनस वन विच इज नॉट अ होल। समझ में आया सबको? ओके, फाइन। ठीक है, नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी मत करो आप लोग, ठीक है, हम लोग लास्ट में इसको एक साथ कॉपी कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज हम लोग टॉपिक देखते जाते हैं, फिर आप लोग को मैं इसका रिकॉर्डिंग सेंड कर लूंगा, आप लोग देख लें, ठीक है, अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखते जाते हैं, ठीक है, यस। तो ये समझ में आया पावर? सो देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेकेंड, टू माइनस फाइव रूट एक्स, सिंपल बता सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक्स, ठीक है, बट लेकिन एक्स क्या है, रूट के अंदर है, और ये रूट अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, वन अपॉन टू हो जाएगा, जो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। तो टू माइनस रूट फाइव विल बी इक्वल टू टू माइनस फाइव को सेम एज इट इज, एंड ये रूट को मैं निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा,
एक्स रेस टू वन अपॉन टू, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर क्या हो रहा है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो हियर वन ऑफ द पावर ऑफ एक्स इज वन अपॉन टू, विच इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल। डन, ओके। थर्ड वन, एक्स रेस टू टू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, यस, इसमें दोनों भी पावर पॉजिटिव में ही है, ठीक है, होल नंबर ही है, यस, ठीक है। सी हियर ऑल द पावर्स ऑफ एक्स आर होल नंबर, ठीक है, सो देयरफॉर इट इज अ पॉलीनोमियल। नाउ नेक्स्ट, स्टेट वेदर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स। अभी हम लोग को बताना है पॉलीनोमियल है क्या, ठीक है। 2m raised to minus 2 plus 7m minus 5, ठीक है। सो 2m raised to minus 2, ठीक है, minus 2 है, मतलब नहीं चलेगा, बिकॉज होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता। तो हियर वन ऑफ द पावर ऑफ m इज minus 2, विच इज नॉट अ होल नंबर, therefore it is not a whole number. 10, ठीक है, अभी 10 है, वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल कोई भी एक अल्फाबेट लेते हैं और रेस टू जीरो डाल देंगे, ठीक है। 10 इंटू कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, रेस टू जीरो डाल दिया, जीरो क्या है, होल नंबर है, यस। तो हियर ऑल पावर्स ऑफ एक्स आर होल नंबर्स, इट इज अ पॉलीनोमियल। समझ में आ रहा है, ओके। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल्स, क्या। अब यहां पर हम लोगों को कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट मतलब क्या, जो भी वेरिएबल होगा उसके लेफ्ट में जो नंबर आता है वो हमारा कोएफिशिएंट है, ठीक है। एम क्यूब, अभी एम क्यूब के लेफ्ट में कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं रहेगा, तो वन, ठीक है, फाइन। द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इज वन, समझा। वहां पर वन नहीं था, लेकिन हम लोग को समझना है कि अगर कुछ भी नहीं रहेगा कोएफिशिएंट तो वन, ठीक है। नाउ अगेन, अभी यहाँ पर वेरिएबल देखते हैं एम क्यूब, ठीक है। दो कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब दैट इज माइनस रूट थ्री, समझ में आया। प्लस होगा ठीक है, लेकिन माइनस होगा तो माइनस साइन भी डालना है, ठीक है, तो माइनस रूट थ्री, ठीक है। नेक्स्ट सेम, अभी यहां पर आप लोग देखोगे कि सर वेरिएबल्स तो काफी सारा दिख रहा है, एम क्यूब है, एम टू है, एम है, ओके। हमेशा हाईएस्ट वाला लेने का, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री मतलब एम रेस टू थ्री, एम रेस टू टू भी है, ठीक है, बट एम रेस टू टू छोटा है, एम रेस टू थ्री बड़ा है, तो एम रेस टू थ्री का कोएफिशिएंट लेंगे। समझ में आ रहा है, हमेशा क्या करने का, जो वेरिएबल का पावर बड़ा है, मतलब जो वेरिएबल का डिग्री बड़ा है उसका कोएफिशिएंट लेने का, समझ में आया। बाकी क्यों नहीं लिया, यस, द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इज माइनस 2/3। नेक्स्ट, okay, polynomials, let us find highest index of a variable in each of the given polynomials. अभी इसमें highest कौन सा है वो पहचानते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास first term है 3x cube है minus x square है, ठीक है, तो x raised to 3, x raised to 2, 3 और 2 में बड़ा कौन सा है, 3, ठीक है, तो highest index of variable is 3, ठीक है। Next, 5 बड़ा है तो highest index of variable is 5, ओके, यहाँ पर एक ही है, ओके, highest index of variable is 0. आएगा 2, हाईएस्ट इंडेक्स वेरिएबल इज 2, दैट्स इट, ओके। सो द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल इन द गिवन पॉलीनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, समझा। डिग्री मतलब क्या, डिग्री जब भी निकालते हैं हाईएस्ट हम लोगों को इंडेक्स देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है। सो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, लेट्स सी, रूट फाइव। अभी रूट फाइव के आगे कुछ भी नहीं है तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, तो ले लिया वेरिएबल क्या, एक्स रेस टू जीरो, ठीक है, हाईएस्ट क्या है, जीरो, तो डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज जीरो, ठीक है। सेकंड, एक्स रेस टू जीरो, सेम डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज, एक्स रेस टू टू, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज टू, ओके, रूट टू एम रेस टू टेन, ध्यान रखना डिग्री पूछा है, वेरिएबल के ऊपर जो रहता है वो पूछा है वैल्यू, तो डिग्री इज 10, ओके, सो हाईएस्ट पावर ऑफ एम इज 10, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज 10,
ओके, थर्ड वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का. हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ पी इज वन, तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज वन. नेक्स्ट सेम वाई रेज टू फाइव, ठीक है, वाई रेज टू फाइव बड़ा है. हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज फाइव, सो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज फाइव. नेक्स्ट, अभी यहां पर देखो सेवेंथ में क्या दिया है हम लोगों को, ओके, एक्स वाई जेड, ठीक है. तो यहां पर क्या करने का, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो जो हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स है वो हम लोग लेते हैं, ठीक है. तो हाईएस्ट सम मतलब सम करते हैं, ठीक है, तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई, ओके, माइनस जेड, ठीक है. तो सबके ऊपर पहले पावर डाल देते हैं, ठीक है. सो तीनों का पावर थ्री, ठीक है, तीनों का पावर थ्री, सो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज थ्री. समझा? क्या किया, अगर एक वेरिएबल से ज्यादा होगा तो क्या करने का, जितने भी वेरिएबल्स है ना उस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री लेने का. क्या, जितने भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री लेने का. अभी यहाँ पर हाईएस्ट वेरिएबल एक्स का वन है, वाई का वन है, जेड का वन है, तो तीनों को प्लस किया, तो वन प्लस वन थ्री, ठीक है. नेक्स्ट अगेन लेट्स सी, ठीक है. तो एम का रेज टू थ्री, एन का रेज टू सेवन, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, टेन, ओके. ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. अभी हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं, जो आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक ही टर्म है, ठीक है, एक ही टर्म होगा, ओके, ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल. समझा? नेक्स्ट, अभी यहाँ पर टू टर्म्स है, टू टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है. थ्री टर्म्स है, ट्राइनोमियल. समझ में आ गया? ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है, सेवन वाई, टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, ओके, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है. सबका डिग्री देख लेते हैं, वन, तो डिग्री इज वन, ठीक है. सो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब आगे जाके फर्दर हम लोग स्टडी करने वाले हैं इक्वेशन के टाइप्स, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. तो वैसे अभी यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल में देख रहे हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में डिग्री वाइज, क्या, डिग्री वाइज देख रहे हैं. तो डिग्री वाइज हम लोग यहाँ पर डिग्री कितना मिला, वन, वन मतलब लीनियर, लीनियर मतलब वन, ठीक है. नेक्स्ट वेरिएबल टू, सॉरी डिग्री क्या है, टू, ठीक है, डिग्री टू मतलब क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. समझ में आ रहा है? ठीक है, रेज टू टू होता है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं. रेज टू टू होगा तो क्वाड्रेटिक, रेज टू वन होगा तो लीनियर, ठीक है. नेक्स्ट डिग्री थ्री, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइन, यस, ओके. सब लोग यहां पर ध्यान दो, बहुत बेसिक नॉलेज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. सिंपल, लीनियर मतलब रेज टू पावर वन, क्वाड्रेटिक मतलब रेज टू पावर टू, क्यूबिक मतलब रेज टू पावर थ्री. सिंपल क्या आएगा, क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू, ठीक है. तो हाईएस्ट डिग्री टू है, तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल इज टू, सो दैटफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. नेक्स्ट रेज टू वन, वेरी गुड. नेक्स्ट लीनियर होगा, यस. ध्यान देना है कि वाई के ऊपर कुछ भी नहीं है डिग्री, समझ में आया, तो वन, ये रूट टू के लिए कंफ्यूज नहीं होना है. तो डिग्री ऑफ गिवन पॉलीनोमियल इज वन, तो इट इज अ लीनियर पॉलीनोमियल. नेक्स्ट, वेरी गुड, डिग्री ऑफ गिवन पॉलीनोमियल इज थ्री, इट इज अ क्यूबिक पॉलीनोमियल. एन इज टू टू, वेरी गुड, ठीक है, क्वाड्रेटिक. थर्ड,
ओके ओके, तो ऐसे आप लोगों को कल आने वाला है क्वेश्चन मंडे को पेपर में, ठीक है? तो ये सब आप लोगों को मालूम हो गया तो इजीली बता सकते. नाउ राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. ठीक है, अभी मतलब यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल दिया है वहां पर हम लोग क्या करना है, वेरिएबल एक्स लेना है. क्या लेना है? वेरिएबल एक्स लेकर कंप्लीट करना है. ठीक है, अभी यहाँ पर बोला है मोनोमियल बनाओ, वेरिएबल लेना है एक्स और मोनोमियल बनाओ. तो सिंपल, मोनोमियल मतलब वन टर्म. ठीक है, मोनोमियल मतलब वन टर्म. सो डिग्री क्या है? सेवन. तो एक्स रेस टू सेवन. वेरिएबल क्या लेने बोला है? एक्स. और टर्म क्या है? मोनोमियल. तो मोनोमियल मतलब एक ही टर्म एक्स आएगा और डिग्री बोला है सेवन. तो एक्स रेस टू सेवन. सिंपल. ओके, बाइनोमियल बनाना है डिग्री विथ 35. ओके, वेरिएबल क्या लेना है? एक्स. ठीक है, यस. तो टू टर्म्स होगा बाइनोमियल में. तो एक्स रेस टू 35 हाईएस्ट डिग्री प्लस एक्स. समझा, बाइनोमियल है ना, तो दो टर्म. समझा, तो वेरिएबल बोला है एक्स, तो वेरिएबल एक्स आ गया. डिग्री बोला है 35, तो रेस टू 35 आ गया. लेकिन बाइनोमियल है तो टू टर्म्स आएगा, तो प्लस एक्स. समझा, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8. सिंपल, ट्राइनोमियल. ठीक है, देन मतलब थ्री टर्म्स, डिग्री 8. ओके, अभी यहाँ पर टू लिया है, आप लोग को टू लेना है तो लो, या नहीं लो तो भी चलेगा. अपने मन से कुछ भी नंबर डाल सकते हो वहां पर, या अगर नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा. बट इम्पोर्टेंट क्या है, वेरिएबल एक्स आना चाहिए, उसके ऊपर डिग्री 8 आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट. समझा, देन थ्री टर्म्स बनाना है तो अपने मन से और दूसरा कोई भी टर्म्स ले लो. प्लस 5x ले लिया, प्लस 10 लिया, हो गया थ्री टर्म्स. समझ में आया? राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन दी बॉक्सेस. अभी यहां पर आप लोगों को कुछ पॉलिनोमियल सेंटर में दिया हुआ है, एंड आप लोगों को ये 6 बॉक्स दिया है, वहां पर आप लोगों को बताना है ये कहां पे जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है. समझ में आ गया हम लोग को? बाइनोमियल समझा, ट्राइनोमियल समझा, मोनोमियल. ठीक है, अभी फर्स्ट वन देखेंगे. ओके, तो हम लोग को यहाँ पर ध्यान दो, दो आंसर है. एक पॉलिनोमियल कैटेगरी है, एक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल का कैटेगरी है, मतलब एक डिग्री का कैटेगरी है और एक पॉलिनोमियल का कैटेगरी है. समझ में आया? yes, तो दोनों जगह आंसर जाएगा. तो फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. अभी डिग्री के ऊपर बेस्ड हम लोग देखते हैं. ठीक है, और राइट साइड में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितना टर्म है, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म. ठीक है, तो डिग्री वाइज, ठीक है, टू. ठीक है, क्वाड्रेटिक है पहला, तो क्वाड्रेटिक कहां पर है? टू. ठीक है, रेस टू टू, रेस टू टू. समझा, तो ये जो तीन टर्म है, ये तीन टर्म कहां आ जाएगा? क्वाड्रेटिक में आ जाएगा. समझ में आ गया? ठीक है, ये तीन टर्म आ गया क्वाड्रेटिक में. समझा, ठीक है. नेक्स्ट, क्यूबिक. क्यूबिक मतलब रेस टू थ्री. ठीक है, डिग्री थ्री होना चाहिए. यस, ठीक है, तो ये दो जगह हम लोग को दिखाई दे रहा है डिग्री थ्री. बराबर, ठीक है, तो ये दोनों कहां पर आ जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा. समझा, ओके. नेक्स्ट, लीनियर मतलब पावर रेस टू वन. ठीक है, डिग्री वन एक ही है. आ गया आंसर. समझा, ठीक है, तो डिग्री वाइज समझ में आ गया. अभी हम लोग टर्म्स वाइज जाते हैं. ठीक है, सो बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स. तो टू टर्म्स कौन सा है देखते हैं. एक्स प्लस सेवन. ठीक है, समझा, ये तीन जो हम लोग ने लिया हुआ है पॉलिनोमियल्स, ये क्या है? बाइनोमियल्स. तो बाइनोमियल में आ गया. ठीक है, नेक्स्ट ट्राइनोमियल, थ्री टर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट मोनोमियल मतलब एक ही आएगा. दैट्स इट, इजी. ओके, नाउ
नेक्स्ट मूव, ओके नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉलिनोमियल्स, कन्वर्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स टू एक्सप्रेशंस। ठीक है, अभी हम लोग को इसको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 3.2, यूजिंग द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। नाउ देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज। ठीक है, उसके बाद इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, देन हाउ मेनी ट्री विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर्स। ठीक है, कितना है, देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज लास्ट ईयर। ठीक है, सो नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज ए, नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बी, तो नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बी, ओके देन हाउ मेनी ट्री विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर्स। ठीक है, इमेजिन, ओके यहाँ पर हमने लिया पास्ट ट्री। ठीक है, और हर साल कितना बढ़ रहा है, 2 ट्री, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, कितना था, देयर वर 5 ट्रीज एंड देन इंक्रीज 2 ट्रीज। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है लेट्स सी, एक साल के बाद ओके कितना हो जाएगा, 7, सॉरी या, ठीक है सो कितना हो जाएगा ये, और बढ़ गया, ओके और 2 बढ़ गया, समझा, एवरी ईयर 2-2 बढ़ते जा रहे, समझा। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म किया यहाँ पर आप लोगों को बताया, तो कैसे किया, जब भी सॉल्व करते हैं ओके के कितना ट्रीज इंक्रीज हुआ है तो उसके लिए क्या करने का, पहला कितना था वो प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिया, 2, ये 2 क्या था, हर साल कितना बढ़ता था। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में कैसा बनेगा देखो, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर्स दैट मीन्स दिस, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज प्लस नंबर ऑफ ईयर्स, ओके इनटू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज, समझा, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके सॉल्व करें। ठीक है, सो दैटफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज ए प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स एक्स इनटू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज, कितना बढ़ रहा है, बी, ओके सो दैट मीन्स ए प्लस एक्स बी, समझा। फॉर्म फॉर द परेड देयर वर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड एक्स सच रो आर फॉर्म, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द परेड इन ऑल। फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना है, वाई, ठीक है, देन नंबर ऑफ रोस एक्स, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स है, लेट्स सी, ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ईच रोस, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रोस, नंबर ऑफ रोस 2, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स 6, समझा। ठीक है, स्टूडेंट्स इन ईच रो, ईच रो में कितने हैं, सपोज 3 स्टूडेंट्स है ईच रो में, ठीक है, हर एक रो में 3 जन है, और ऐसा कितना रो है, 2 रो है, तो क्या करेंगे, 3 × 2 = 6, ठीक है, अभी कितने रोज है, 2, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज कितना है, 4, 4 जन है ना, यस, ठीक है, एक एक रो में कितने स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स है, एंड कितना रोज है, 4 रोज है, तो कितना हो जाएगा, 8, समझा, यही रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे, ये टोटल मुझे निकालना है, तो स्टूडेंट्स इन ईच रो दैट इज वाई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज एक्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, सो दैटफॉर नंबर ऑफ रोज एक्स इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो दैट इज वाई, सो इट विल बी एक्स वाई, समझा, ओके। यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर्स। द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ अ डिजिट नंबर इज एम एंड एन रेस्पेक्टिवली, राइट द पॉलिनोमियल्स व्हिच रिप्रेजेंट द 2 डिजिट्स। नाउ
द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस, ठीक है, ऑफ टू डिजिट नंबर इज एम एन टेन. नाउ टू डिजिट नंबर मतलब क्या, डिजिट्स पता है आप लोगों को, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक है, तो यूनिट के प्लेस में और टेंस के प्लेस में, समझ में आया. तो टेंस एंड यूनिट्स के प्लेस में डिजिट क्या है, एम और एन. टेंस के प्लेस में एम है, यूनिट्स के प्लेस में एन है, समझ में आया, ठीक है. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन एम प्लस एन. टेन एम क्यों हुआ, क्योंकि टेन के प्लेस में, ठीक है, यूनिट्स के प्लेस में मल्टीप्लाई बाय वन, तो एन इंटू वन, ठीक है. लेट्स सी फर्दर. तो डिजिट्स इन टेंस प्लेस इज एम, डिजिट्स इन यूनिट प्लेस इज एन, ठीक है. सो राइट द पॉलिनोमियल्स विच रिप्रेजेंट द डिजिट्स, ओके, टू डिजिट नंबर. लेट्स सी, सपोज 35 एग्जांपल लेते हैं, तो 5 यूनिट्स के प्लेस में, 3 टेंस के प्लेस में है, ठीक है. नाउ लेकिन जब टेंस के प्लेस में जो आता है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो इसके लिए वो 10 3 30 हो जाता है, ठीक है, एंड प्लस 1 × 5. समझा ये 35 कैसे बना, ठीक है. तो 10 3 30 + 5 ऐसा करके 35 आता है. अभी सेम उसी तरह हम लोगों को क्या करना है, ये देखना है कि टेंस के प्लेस में कौन सा है, डिजिट्स इन टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस. टेंस के प्लेस में m है, मतलब 10 × m होगा प्लस 1 × n होगा. तो 10 × m 10m + 1 × n n, ओके, देन 10m प्लस n दोनों ऐड नहीं होगा. यहाँ पर 30 प्लस 5 को ऐड किया, क्यों, बिकॉज वो लाइक टर्म्स था, ठीक है. बट यहाँ पर जो है ना, ये लाइक टर्म नहीं है, एक वेरिएबल m है, एक वेरिएबल n है, ये दो अलग अलग है, ठीक है. तो ये सेम नहीं है, इसके लिए प्लस नहीं होगा, समझ में आया. दे आर नॉट लाइक टर्म्स, इसके लिए आंसर यही पे स्टॉप. सो दैट मीन्स टू डिजिट नंबर विल बी 10m प्लस n, समझा. ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, इंडेक्स फॉर्म देखेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म देखेंगे. नाउ एग्जांपल फर्स्ट, 8x² + 7x⁵ + 2 - 5x⁴. अब यहां पर हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, जब भी हम लोग टर्म्स को लिखते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर आता है, फिर लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट, समझ में आया. मतलब हाईएस्ट डिग्री, फिर लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट, समझ में आया. हाईएस्ट से लोवेस्ट में जाने का, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है. अभी आप पर देखते हैं, पहला रेस टू 2 दिया है, फिर रेस टू 5 दिया, ठीक है, फिर रेस टू 0 है, ठीक है, फिर रेस टू 3 दिया है, मतलब ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में लेकर आने का, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है. सो फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल मीनिंग एग्जांपल, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट द पॉलिनोमियल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, ठीक है. तो 7x⁵ सबसे बड़ा है, कोएफिशिएंट नहीं देखना है, डिग्री देखना है, डिग्री सबसे बड़ा, सबसे बड़ा डिग्री 5, फिर डिग्री कौन सा है 3, फिर डिग्री कौन सा है 3, तो 3 उसके बाद आएगा, ठीक है. जो साइन होगा वो साइन के साथ, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, फिर 8x⁵, ठीक है, प्लस में, समझ में आया. स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, डिग्री हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर्स. तो नेक्स्ट टाइम मैं डिसेंडिंग ऑर्डर्स बोलूंगा. तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब समझ जाने का, बड़े से छोटा, ठीक है. नाउ इंडेक्स फॉर्म, ठीक है. इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या, फ्रॉम द हाईएस्ट पावर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एवरी पावर शुड बी प्रेजेंट, If not, add the missing term with coefficient 0. ठीक है, मतलब क्या, अभी जब इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इंडेक्स फॉर्म में लिखते वक्त हम लोग को पूरा लाइन से आना चाहिए. पूरा लाइन से मतलब, अगर पहला है x⁵, तो 5 के बाद 4 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए. यह है इंडेक्स फॉर्म. अभी यहां पर अगर हम लोग देखेंगे ना,
तो रेस टू फाइव दिया है बट फोर नहीं है, ओके okay? तो जब ऐसा होगा वहां पर अपने मन से हम लोग जीरो ले लेने का, ठीक है, क्या करने का, कोएफिशिएंट के जगह में जीरो लेने का, क्या कोएफिशिएंट के जगह में जीरो, और वेरिएबल जो भी होगा वो वेरिएबल, और रेस टू जो नंबर मिसिंग है, लेट्स सी 7x रेस टू 5, ठीक है, फाइन, फाइव के बाद फोर आना चाहिए, मिसिंग है, ठीक है, तो वहां पर अभी हम लोग कुछ तो नंबर डालते हैं, उसके बाद रेस टू थ्री है क्या, यस yes. तो ले लिया नीचे, रेस टू टू है, यस, रेस टू वन नहीं, तो रेस टू वन हम लोग लेंगे, मतलब इधर दो नंबर्स मिसिंग है, मतलब दो डिग्री मिसिंग है, दो डिग्री मिसिंग है, तो दो डिग्री हम लोग लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल कौन सा है, एक्स, ठीक है, तो प्लस साइन डालने का, ठीक है, जीरो कोएफिशिएंट एक्स रेस टू थ्री, एक्स रेस टू फोर, समझा, अभी जीरो मतलब क्या, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, अभी जीरो से अगर मैं एक्स रेस टू फोर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो, मतलब कुछ भी नहीं लिया, मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, लिया भी नहीं भी लिया, समझ में आया, ठीक है, मतलब खाली दिखावा होना चाहिए, समझ में आया, वैल्यू कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, फाइन, सो जीरो एक्स रेस टू फोर, अभी यहाँ पर नेक्स्ट में क्या आएगा, सेम उसी तरह जीरो, यस, साइन हमेशा प्लस, प्लस जीरो, और क्या चाहिए, रेस टू वन, ठीक है, एक्स के ऊपर कुछ दिया नहीं है, मतलब वन ही है, समझ जाने का, समझा, कुछ भी नहीं रहता है तो वन, तो ये मत बोल सर आपने उधर वन नहीं डाले, ठीक है, कोई भी वेरिएबल के ऊपर रेस टू नहीं रहता है तो वन ही रहता है, आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते, कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है, सो राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म्स इन द इंडेक्स फॉर्म सेपरेटेड बाय कॉमा इन राउंड ब्रैकेट, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वाले में, जितना भी हम लोग को इंडेक्स फॉर्म में नंबर्स आया है ना, ठीक है, सॉरी जितना भी टर्म्स आया है ना, वो हर एक टर्म्स का सिर्फ कोएफिशिएंट को लेने, क्या सिर्फ कोएफिशिएंट को लेने का मतलब वेरिएबल सब हटा देने, वेरिएबल्स विद डिग्री हट जाएगा, सिर्फ कोएफिशिएंट आएगा, तो कितना आएगा, सिक्स टर्म्स आएगा, ठीक है, मतलब सिक्स हम लोगों को कोएफिशिएंट मिलेगा, ठीक है, तो पहला कोएफिशिएंट, ठीक है, सेवन, ठीक है, यस, जीरो माइनस फाइव एट जीरो टू, और हर एक के बाद कॉमा, समझा, समझ में आ गया, कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म, तीनों अलग है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, यस, ठीक है, जो दिया है सेम एज इट इज उसी को असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या, इंडेक्स फॉर्म मतलब प्रॉपर पूरा डिग्री ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, कोई भी डिग्री मिस नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट मतलब क्या, हर एक जितना भी हम लोगों को टर्म्स मिला है इंडेक्स फॉर्म में वो सारे इंडेक्स फॉर्म का सिर्फ कोएफिशिएंट, समझ में आ गया अच्छे से ये वाला पार्ट, सो राइट द पॉलिनोमियल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, कम ऑन रिकलेक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ठीक है, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, सो पहला क्या है, रेस टू थ्री, फिर क्या आना चाहिए, एम, ठीक है, तो ये पहला आ गया, फिर सेकेंड फाइव एम, फिर नंबर, समझा, ओके, नेक्स्ट, ठीक है, अभी थोड़ा बड़ा है, फ्रैक्शन है करके डरने का नहीं, सिंपल डिग्री, खाली वेरिएबल चेक करो, वेरिएबल वाई है, वायरस टू फाइव है, वायरस टू थ्री है, वायरस टू फोर है, वायरस टू टू है, फाइन, नाउ, ओके, साइलेंस, नाउ, सबसे बड़ा वायरस टू फाइव, तो पहला वायरस टू फाइव, ठीक है, देन उसके बाद वायरस टू फोर, ठीक है, तो पूरा लिखने का, लेकिन तो पूरा प्लस टू वाई रेस टू फोर, प्लस थ्री वाई क्यूब, माइनस वाई स्क्वायर, माइनस सेवन वाई, माइनस वन अपॉन टू, समझा, इजी है, ओके,
नेक्स्ट कोएफिशिएंट फॉर्म में हम लोग को लिखना है, ठीक है, फाइन, x एस टू थ्री माइनस टू, ठीक है, तो x एस टू थ्री माइनस टू, इसको पहले क्या करना है, हम लोगों को पूरा ऑर्डर्स देखना है, x एस टू टू थ्री है तो टू आना चाहिए, फिर वन आना चाहिए, फिर नंबर आना चाहिए, ठीक है, तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं, तो इंडेक्स फॉर्म में इसको बनाएंगे, x एस टू थ्री प्लस जीरो x एस टू टू, ओके, प्लस जीरो x माइनस टू, समझा, ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट आने से पहले इंडेक्स फॉर्म जरूरी है, इंडेक्स फॉर्म के बाद ही कोएफिशिएंट, तो इंडेक्स फॉर्म बना दिया, अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका डिग्री मिलता जाएगा, सॉरी कोएफिशिएंट मिलता जाएगा, ठीक है, तो वन जीरो जीरो माइनस टू, ठीक है, वन जीरो जीरो माइनस टू, दैट्स इट, ठीक है, बाय बाय, यस, सिंपल, ठीक है, तो इंडेक्स फॉर्म फाइव वाई प्लस जीरो, ठीक है, तो फाइव प्लस जीरो, समझा, एक ही मत लिख कर आओ, ठीक है, फाइव रेस टू वाई, मतलब वेरिएबल आ गया रेस टू वन, तो उसके बाद क्या आएगा, रेस टू जीरो, रेस टू जीरो मतलब कुछ भी नहीं, नंबर आएगा, ठीक है, राइट द फॉलोइंग पॉलीनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है, अगेन सेम द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स, ठीक है, समझ में आया, हाईएस्ट क्या था, रेस टू फोर, रेस टू फोर के बाद क्या आना चाहिए, रेस टू थ्री, बट नहीं है तो जीरो ले लिया, उसके बाद रेस टू टू है, फिर रेस टू वन होना चाहिए, नहीं है तो जीरो एम ले लिया, समझा, सो गिवन पॉलीनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म इज सारे कोएफिशिएंट, ओके, एंड कॉमा डालना है सेपरेट करने, यस, सो इंडेक्स फॉर्म सेम, वेरिएबल नहीं है, दैट्स इट, क्या आएगा, माइनस टू अपॉन थ्री, समझा, इसमें मिस्टेक मत करवा, वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, ये लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म के आगे कुछ नहीं आता, समझा, लास्ट टर्म के आगे कुछ नहीं आता, मतलब इधर ही स्टॉप, तो जबरदस्ती लेकर मत आओ, ओके, ओके, नाउ इंडेक्स फॉर्म, ठीक है, अब इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या करते हैं हम लोग, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर हम लोगों को दिया क्या है, कोएफिशिएंट, और हम लोग को बनाना है इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या, वेरिएबल्स के साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले जितना भी टर्म्स दिया उसको काउंट करते हैं, कितना है, वन टू थ्री, तीन टर्म्स दिया है, इसको माइनस वन कर लेते, समझा, मतलब कितना आएगा, टू, मतलब डिग्री हो गया टू, समझा, ठीक है, डिग्री कैसे निकाला मैंने, जितना भी हम लोग को कोएफिशिएंट दिया रहेगा काउंट करने का कितना है, उसके बाद उसमें से एक को निकाल देने का, ठीक है, तो जितना बच गया वो हमारा हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, सो कितना है, तीन, तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल इज वन टू थ्री, थ्री कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, सो डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स माइनस वन, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स थ्री माइनस वन इक्वल्स टू टू, दैट्स इट, ठीक है, तो डिग्री मिल गया मुझे, ठीक है, नाउ वेरिएबल अपने मन से कोई भी ले सकते, ठीक है, सो इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल इज फर्स्ट वन है, ठीक है, सो वन, ओके, डिग्री कितना है, टू, ठीक है, तो वन एक्स रेस टू टू, अब ये वन को लिखना है तो लिखो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, वन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन, ठीक है, देन क्या है कोएफिशिएंट, टू, फिर वेरिएबल ले लो एक्स, ठीक है, उसके बाद एक्स रेस्ट टू के बाद क्या आएगा, एक्स रेस्ट टू वन, ठीक है, एक्स रेस्ट टू वन नहीं लिखा है तो भी चलेगा, ठीक है, देन लास्ट टर्म हो गया, फिर से देखते हैं, देखो इंडेक्स फॉर्म बनाना है तो सबसे पहले डिग्री चाहिए, तो डिग्री हम लोगों ने निकाला टू, ठीक है, देन उसके बाद जो भी कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट लिखते हैं, पहला कोएफिशिएंट वन है तो वन को लिखा, उसके बाद वेरिएबल अपने मन से जो चाहिए वो ले लो,
ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और डिग्री क्या दे रहा है, टू, तो एक्स इज टू टू, ठीक है, देन प्लस कोएफिशिएंट टू, उसके बाद एक्स इज टू टू के बाद क्या आता है, एक्स इज टू वन, ठीक है, तो एक्स इज टू वन लिखो या एक्स लिखो, ठीक है, यस, प्लस दैट्स इट, फाइन। अभी कितना डिग्री, सॉरी कितना कोएफिशिएंट्स है, फाइव, कितना कोएफिशिएंट है, फाइव, तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, फाइव कोएफिशिएंट्स, तो डिग्री इक्वल्स नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स माइनस वन, तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स फाइव माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, सॉरी इक्वल्स टू फोर, ठीक है, इसका मतलब अभी जो वेरिएबल आएगा उसका हाईएस्ट पावर फोर आएगा, ठीक है, तो इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज, पहला कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या है, फाइव, फाइव लिखा, एनी वेरिएबल है, जो वेरिएबल पसंद है वो वेरिएबल डाल सकते हो, ठीक है, और डिग्री फोर, प्लस फिर क्या आएगा, फोर के बाद रेस टू थ्री, जीरो रेस टू थ्री, प्लस जीरो रेस टू टू, प्लस जीरो रेस टू जीरो, एक्स रेस टू वन, ठीक है, एक्स रेस टू वन मतलब एक्स, और ये माइनस वन, समझा, अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, सिर्फ समझ में आ गया, बट खुद से आने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, थर्ड वन, ठीक है, तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज, जो भी है वो क्वेश्चन लिखना है, देन फोर कोएफिशिएंट्स, तो डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स माइनस वन, सो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट फोर माइनस वन, सो इट विल बी थ्री, ठीक है, सो इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज माइनस टू, जो भी होगा, एक्स रेस टू थ्री प्लस टू एक्स रेस टू टू, अभी ध्यान दे रहे हैं, yes. बार बार प्लस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं रहेगा तो प्लस, माइनस है तो माइनस टू एक्स रेस टू वन, ठीक है, फाइन, थ्री पॉइंट वन हो गया, क्या चेक करो, ओके, नेक्स्ट, उसके बाद एक्सरसाइज